हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए 6 to 8 की बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट कि आपके आने वाले असाइनमेंट या जिसको आप अभी तक सोच रहे थे कि आपके एग्ज़ाम होंगे, लेकिन अब उसका जो है रूप बदल दिया गया है। आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा कि कितने मार्क्स का आपका क्या क्या चीज़ें आएंगी होने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो बच्चों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स 6th, 7th, 8th क्लास में है आपको उनको भी शेयर करना है, ताकि वो बच्चे भी जो है एग्ज़ाम से अभी तक जो इतना पैनिक हो रहे थे, अब एग्ज़ाम को एक बर्डन समझ रहे थे कि उनकी पूरे साल पढ़ाई नहीं हुई है, अब वो एग्ज़ाम में कैसे स्कोर करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगी कि आपको किस तरह से अपने हाईएस्ट मार्क्स गेन करने हैं। चलिए बच्चों, आपको ये भी पता चलेगा कि आपका रिजल्ट किस दिन आएगा, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। तो बच्चों देखिए, ये बताया गया है आप लोगों का, वही इम्पोर्टेंट पेज मैं लेकर आती हूँ जिस पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। तो देखो बच्चों, इस आपका मैं बता देती हूँ कि वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 3rd to 5th के लिए ये प्रोसेस रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्लास 6 to 8 की बात कर रही हूँ। तो बच्चों, इससे मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि आप लोगों का जो है 100 मार्क्स का, जैसे कि हर साल 100 मार्क्स का ही आपका पेपर बनता है, इसी तरह से आपका इस साल का भी 100 मार्क्स का ही स्कोर रहेगा, लेकिन उसमें हमारा हर एक चीज़ का अलग अलग वेटेज क्या रहेगा। देखो बच्चों, असेसमेंट बेस्ड ऑन वर्कशीट एंड और अदर मोड्स ऑफ असेसमेंट इफेन, जो अभी तक आप लोगों की DOE की तरफ से वर्कशीट आई हैं, बच्चों आप लोगों ने वो की हैं क्योंकि हमने आप लोगों को इजी वे में वीडियो प्रोवाइड की है, तो उसका बच्चों आप लोगों का उन सारी वर्कशीट को चेक करके आपकी मैडम जो है आपको 20 मार्क्स में से नंबर देंगी। हो सकता है कि किसी किसी बच्चे ने वर्कशीट जो है पूरी डेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही सीक्वेंस में की हुई है, तो बच्चों हो सकता है कि आपकी टीचर आपको 20 में से 20 मार्क्स भी दे दे, और 20 मार्क्स बच्चों कोई कम नहीं होते हैं। और अगर बच्चों आपने अभी तक अपना वर्कशीट का काम कंप्लीट नहीं किया है, कोई बीच में से एक दो वर्कशीट आपकी छूट गई है, डेट डालनी रह गई है, तो बच्चों आप लोग उस काम को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपकी मैम जो है, सारे सब्जेक्ट की बोल रही हूँ मैं, यहाँ पर बात कर रही हूँ, आपकी मैम जो है आपको कॉपी लेकर बुलाएंगी और आपकी वर्कशीट चेक करेंगी, उसी के बेस पर आपको 20 में से मार्क्स दिए जाएंगे। और बच्चों, अगर आपने काम कंप्लीट नहीं किया है तो आप मेरे चैनल ड्रीम्स मेक रियल की प्लेलिस्ट में भी जाकर अपना काम कंप्लीट कर सकती हैं। और उसके बाद बच्चों हमारा 30 मार्क्स का रहेगा कि जो आपकी विंटर ब्रेक में आपकी मैम ने आपको असाइनमेंट दिए हैं, जैसे कि बच्चों मैंने अपने यहाँ पर अपनी क्लास में जो मेरे पास 6th, 7th, 8th क्लास है, मैंने उन बच्चों को सिक्किम प्रोजेक्ट दिया है और एक मैंने बच्चों को डिज़ास्टर मैनेजमेंट, दो प्रोजेक्ट मैंने अपने यहाँ पर बच्चों को दिए हैं। अगर आपकी मैम ने भी आपको इन्हीं दो प्रोजेक्ट में से कोई कुछ दिया है तो आप मेरी वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं, जिसका जो लिंक मैं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सिक्किम प्रोजेक्ट का भी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी। तो विंटर ब्रेक में आपकी मैम ने जो भी आपको 2, 3, 4 या 1 असाइनमेंट जो भी दिया है, उसके आपके 30 मार्क्स रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारे हो जाते हैं 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स का ही बच्चों हमारा आएगा असेसमेंट। ठीक है, जिसको आप सोच रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम होंगे, वो आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे बच्चों, वो आपके असेसमेंट के जो है फॉर्म में रहेगा। ठीक है, मतलब उसमें आपकी मैडम आपको ऑनलाइन, जो बच्चे ऑनलाइन हमारे हैं वो उनको मैडम ऑनलाइन ही प्रोवाइड करेंगी। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर ने आपका ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे कि मैथ की मैम ने आपका अलग ग्रुप बनाया हुआ है ना बच्चों, और हिंदी की मैम ने आपका अलग ग्रुप बनाया, तो हर सब्जेक्ट की टीचर जो है अपने अपने ग्रुप में आपको असेसमेंट प्रोवाइड करेगी, और आप लोगों को 2 and 2 hour में जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके, असेसमेंट कंप्लीट करके आप लोगों को उसी ग्रुप में अपनी मैम को आगे फॉरवर्ड करना है। तो बच्चों उस असेसमेंट में हमारे जो है, हो सकता है MCQs भी रहें,
है ना। हो सकता है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, और हो सकता है हमारे ट्रू एंड फॉल्स रहें, या फिर जो आपकी वर्कशीट में शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं वो भी हो सकते हैं, और मैचिंग भी हो सकता है। लेकिन बच्चों काफ़ी कुछ आपकी वर्कशीट में से भी आएगा। मैं आपको अश्योर करा देती हूँ कि जो ये 50 मार्क्स का आपका असेसमेंट बनेगा, ये काफ़ी हद तक आपकी वर्कशीट में से ही डाला जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ साथ दिल्ली गवर्नमेंट भी जानती है कि आप लोगों की पूरे साल जो है ऑनलाइन स्टडी हुई है, आपने ऑनलाइन ही पढ़ा है, ऑनलाइन ही अपनी वर्कशीट को कंप्लीट किया है, तो इसलिए आपका जो असेसमेंट है वो भी ज़्यादा टफ नहीं आएगा। आप लोग बच्चों अगर 1 आवर भी डेली पढ़ते हैं तो आप लोग बच्चों आसानी से इसमें 40 मार्क्स ला सकते हैं। और बच्चों अगर आपने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है तो आप अपना काम कंप्लीट कर लेना, इसको कंप्लीट करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे स्कोर लाने हैं, वर्कशीट में 20 मार्क्स लाने हैं, आपको अपने प्रोजेक्ट में पूरे 30 में से 30 मार्क्स लाने हैं, और असेसमेंट में भी आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप बच्चों अपनी वर्कशीट को एक बार रीड करना, और जो आपके वर्कशीट में से ही ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा, और असेसमेंट जो है वो आप लोगों को ऑनलाइन ही अपने हर सब्जेक्ट के ग्रुप में आपको भेजना होगा करके। और जो बच्चे हमारे ऑफलाइन रहे हैं, जो जिनके पास मोबाइल की सुविधा अवेलेबल नहीं हो पाई है, तो उन बच्चों को आपकी मैडम जो है वो ऑफलाइन ही आपको डाटा प्रोवाइड कराएंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन ही आपको वो अपना असेसमेंट आपको देंगी, और फिर आपको जो है नेक्स्ट डे वो कंप्लीट करके आपको अपनी मैडम को देना होगा। तो बच्चों बिल्कुल भी आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही करना है जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको 1 घंटा अपनी स्टडी का डेली बांध लेना है। अभी भी बच्चों देखो आपके जो है 1 मार्च है ना बच्चों, तो इट मींस आप लोगों का देखो अब टाइम बिल्कुल भी नहीं रहा है, आप लोगों का कल से ही एग्ज़ाम है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो अपने 20 और 30 नंबर पर फोकस करोगे, इस काम को कंप्लीट करोगे, और जो आपकी मैडम आपको कल से असेसमेंट प्रोवाइड कराएंगी उसको आप बिना बर्डन के, बिना पैनिक हुए। बच्चों मैं जानती हूँ कि आपने वर्कशीट अच्छे से की है सारी जो आपको छुट्टियों में मिली है, तो आप बच्चों बिल्कुल भी पैनिक हुए बिना अपनी वर्कशीट के जवाब देना, आई होप आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये तो आपका वेटेज रहा कि किस किस तरह से आप लोगों का पेपर आएगा। अब मैं बच्चों आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि देखो जो बच्चे हमारे, लेकिन हाँ बच्चों देखो इस बार आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस बार आपको मार्क्स जो है वो ग्रेड में मिलेंगे, ठीक है। जिस बच्चे के मार्क्स 91 से लेकर 100 तक होंगे उसका A1 ग्रेड होगा, है ना। इसी तरह से 81 से 90 तक A2 ग्रेड रहेगा, 71 से 80 तक B1 ग्रेड रहेगा, 61 से 70 तक हमारा बच्चों B2 ग्रेड रहेगा, 51 से 60 तक C1 ग्रेड रहेगा, फिर C2 और D ग्रेड रहेगा, जिसके 33% से 40 के बीच में मार्क्स आएंगे, और जिसके 32% से नीचे आएंगे वो बच्चों उसका E ग्रेड रहेगा। तो आप लोग आई होप आप उसे प्रोमिस कीजिए कि आप सब बच्चों के A1 ग्रेड आएंगे, क्योंकि आप लोग अपना प्रोजेक्ट भी पूरा करोगे और अपनी वर्कशीट का काम भी आप लोग बिल्कुल अच्छे से डेट के अकॉर्डिंग डालकर कंप्लीट रखोगे। तो बच्चों घबराना नहीं है बिल्कुल भी अपने असेसमेंट से, और आप इसको एग्ज़ाम तो बिल्कुल भी मत कहिए, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम का रूप नहीं है, ये आप लोगों का असेसमेंट है। उसके बाद बच्चों देखिए आप लोगों का बताया गया है इस सर्कुलर में, जो कि DOE के जो आपके एग्ज़ाम के से रिलेटेड सर्कुलर आया है, उसमें बताया गया है कि 3rd to 8th विल बी अवेलेबल, कि आप लोगों के 1 मार्च से 15 मार्च के बीच तक एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद 5th मार्च तक बच्चों आपकी टीचर जो है आपका कॉपी चेकिंग का काम करेंगी, और उसके बाद बच्चों आप लोगों का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा 31 मार्च में। इट मीन्स आप लोग जो 1 अप्रैल होगी उसको आप लोग नई क्लास में प्रमोट हो जाओगे, और बच्चों आप लोग नई क्लास में प्रमोट हो जाओगे क्योंकि ये तो पूरा साल ही आप लोगों का ऑनलाइन रहा है। तो अब बच्चों हमें प्रेयर करनी चाहिए कि हमारा जो नया सेशन है 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होगा, आप लोगों का भी, आप भी नई क्लास में आगे प्रमोट हो जाओगे। तो आप लोग भी बच्चों यही विश करो कि हम लोग स्कूल जाएं, टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन हो, और आपकी आने वाले साल में अच्छे से पढ़ाएं।
पढ़ाई रहे। और बच्चों देखो, आपका रिजल्ट 31 मार्च में डिक्लेयर होगा, 1 से 15 मार्च के बीच में आप लोगों को एग्जाम अपने असेसमेंट देने होंगे। और बच्चों आपकी डेटशीट आपकी मैम ने आपको फॉरवर्ड कर दी होगी। बस आपको ये रहना है बच्चों कि आप लोगों को 1 से 15 मार्च तक बिल्कुल अपडेट रहना है, अपने सारे ग्रुप में आपको एक्टिव रहना है। ये नहीं है कि आपकी मैडम जो है आप लोगों को असेसमेंट भेजे और आप लोग उसको देखे ही नहीं। तो बच्चों आप लोगों को बस यही करना है, आप लोगों को एक्टिव रहना है, ठीक है। और जितना भी टाइम आपकी मैडम आपको 2 घंटे का देंगी असेसमेंट करने का, तो आपको असेसमेंट ऑनेस्टली असेसमेंट करना है, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी हेल्प के, और अपनी मैडम को वापस सेंड करना है। तो बच्चों ये आज ये आपकी जो इंफॉर्मेशन थी असेसमेंट से रिलेटेड। तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। थैंक यू बच्चों।